किचन में आपका वेलकम करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसे आप पोहे का पिज्जा भी कह सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पोहे का नाश्ता बनाने के लिए हमने 2 कप पोहा लिया है। ये पतला वाला पोहा है, ये आसानी से भिगाने पर फूल जाता है और गल जाता है। अगर आप मोटे पोहे का बनाएं तो उसे पीस के भी बनाएं। अब हम इसे धुल लेंगे 2 बार अच्छे से, उसके बाद इसे हम पानी में डाल के भिगा देंगे। इसे हमने धुल लिया है और इसे हम भिगा दिया है। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसी तरह से हमने गैस पे एक पैन रखा है, 100 ग्राम हमने मूंगफली का दाना लिया है। इसे हम पैन में डाल के इसे हम भून लेंगे। अभी हमारा हो गया मूंगफली, अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा करके इसके छिलके हटा के इसे ग्राइंडर में डाल के दरदरा पीस लेंगे। 10 मिनट हो गया है, ये हमारा फूल गया है। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें हमने 1 प्याज को बारीक काट लिया है, इसे डालेंगे। ये बड़े साइज का प्याज है। ये हमने 1 बाउल हरी मटर लिया है, इसे हमने स्टोर करके रखा है। इसे हमने उबाल लिया है, इसे हम डालेंगे। 2 उबले हुए आलू को हमने मैश करके रखा हुआ है, डालेंगे। मूंगफली के दाने को हमने दरदरा पीस लिया है, इसे हम डालेंगे। 1 बड़े साइज का टमाटर हमने बारीक काट लिया है, इसमें डालेंगे। 2 हरी मिर्च कटा हुआ, इसमें डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप और भी डाल सकती हैं, हमने हरा मिर्च डाला हुआ है इसलिए हम कम ही डाल रहे हैं। 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, हमने पीस कर इसे पाउडर बना लिया है, इसे डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे, 1/2 बाउल हरा धनिया हमने काट लिया है, डालेंगे इसमें। 1 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे, जिससे हमारा अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये सूखा हुआ है, इसमें हम पानी डालेंगे, जिसे हमारा पेस्ट अच्छे से बन जाए। इसे हम चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, इसे हम थोड़ा पतला करेंगे। हमने 1 बाउल पानी डाला इसी से। अभी हमारा हो गया है, इसे हमें न ज़्यादा पतला बनाना है न ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम में बनाना है। इस पर एक पैन रखा है, इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम चारों तरफ अच्छे से फैला दिए हैं और इससे हम ये डालेंगे। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा ही बनाना है। आप इसे छोटे छोटे भी बना सकते हैं या बड़े साइज का भी बना सकते हैं। इसे हम अच्छे से फैला देंगे। अब इसमें हम ऊपर से टमाटर डालेंगे थोड़े थोड़े, जिससे ये देखने में अच्छा लगे। इस तरह से बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। और हम हरा धनिया डालेंगे।
गैस को हमने एकदम लो फ्लेम पे किया हुआ है। हमने पलट दिया है, अब हम दूसरी तरफ ही सेक लेंगे। पलट के दोनों तरफ अच्छे से सेक लिया है, गलत बोल रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। अभी हमारा पोहे का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। आप इसे चिली सॉस, टोमेटो सॉस या फिर टमाटर हरी धनिया की तीखी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे ज़रूर खाएं और कमेंट करके अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।